नहीं दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और आप लोगों को तो पता ही, अपना भारत गौरव टूर चल रहा है रेलवेज़ के साथ। अभी हम लोग रुके हुए हैं सोमनाथ में, और जिस होटल में रुके हैं वो आप देख लो, उसके किचन में भी आपको ले चलेंगे, खाने का वैरायटी वगैरह सब दिखाएंगे, क्योंकि अभी लंच टाइम है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज हम लोग ट्रैवल करेंगे सोमनाथ से द्वारका के बीच में हमारी भारत गौरव स्पेशल ट्रेन में। आपको मैं सोमनाथ मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा, द्वारका के भी दर्शन कराऊंगा इसी वीडियो में। दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल जल्दी से पहले पेट पूजा हो जाए, क्योंकि खाने की भूख अच्छी खासी लगी हुई है। और बाकी उसके बाद तो भाई आज पूरा सोमनाथ एक्सप्लोर करना है, ट्रेन जर्नी एक्सप्लोर करनी है, बहुत मज़ा आने वाला है। दोपहर के 1 बजे, और देखो लंच की बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पे हो चुकी है आपके लिए। वर्जिन मोइटो भी अवेलेबल है, साथ में बटर मिल्क भी है, कॉर्न टिक्की की भी यहाँ पे व्यवस्था है। मतलब खाने पीने की कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। पनीर बटर मसाला देख लो यहाँ पे, वेज कढ़ाई देख लो, चाहे तो दाल तड़का देख लो। इतना ही नहीं, गुजराती खाना भी यहाँ पे है। इसमें तो जीरा राइस है, खैर इसमें है गुजराती खिचड़ी, साथ में यहाँ पे गुजराती कढ़ी। तो भाई ये देखो, इसी का जो तड़का है ना, उसी की वैल्यू। और यहाँ पे रोटियाँ भी और आ रही हैं, गुलाब जामुन आ रहे हैं। ये है खाने पीने की व्यवस्था आज की। तो फाइनली गर्मा गर्म फ्रेश गुलाब जामुन भी आ चुके हैं, और डोलेश भाई और मेरे फेवरेट, बस इसको निपटाने वाले तीन चार दिन से गुलाब जामुन बीटा ही बीटा खा रहे हैं। ये फिर रिपीट होगा आज। बट गुलाब जामुन गर्मा गर्म, गुलाब जामुन इज लव, गुलाब जामुन इज लव, गुलाब जामुन इज सुकून। यहाँ पे भाई खाना देख लो, सज के आ चुका है। और ये अपना मेन आइटम तो यार अच्छी क्वांटिटी में, और बाकी ये कुछ खाना मैंने लिया, आप जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। गौरव ट्रेन में जो ट्रैवल कर रहे हैं ना, सच में मुझे लग रहा है जैसे मैं फूड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। दिन में 3 टाइम का खाना, इवनिंग स्नैक्स, बाद में ट्रेन जर्नी तो हो ही रही, और साथ में टूर भी 2 बार, कुछ ना कुछ 2 जगह तो हम लोग मिनिमम 1 दिन में कवर कर ही रहे हैं। पूरा गुजरात घूम रहे हैं और तरह तरह की जगहों में जाके खा रहे हैं। जहाँ अभी हम रुके हैं यहाँ का भी खाना जोरदार है, एकदम एक नंबर। मिक्सर ली थी, अब दाल चावल का भी टेस्ट करके बताता हूँ, मज़ा आ गया लिटरली यार। स्वाद बहुत बेहतरीन है, और कॉर्न के पकोड़े अपने फेवरेट। संदीप भाई और श्रांश रेडी हो रहे हैं, तो इसके बाद वो आएंगे खाने। जो है यहाँ पे एके भाई हैं, डोलेज भाई हैं, yes. सभी लोग, बहन भी है, साथ में खाना एंजॉय करते हुए ऐसे ही अपनी जर्नी जो है ना ये चल रही है। ये है अपना होटल जहाँ हम लोग रुके हुए थे, काफ़ी तगड़ा होटल लगा। और यहाँ पे संदीप भाई एडिटिंग करते हुए, और बसेस भी तैयार हैं सोमनाथ दर्शन के लिए रेडी। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर दिखेगा, ओशन व्यू। मतलब अगर बीच तरफ जाना है तो ये रास्ता है, हम लोग जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर आपको दिखा दें, तो उसकी एंट्री यहाँ से होगी। यहाँ पे आओगे ना तो सबसे पहली चीज़ आपको आपका जो सामान वगैरह है, पर्स मोबाइल वगैरह, यहाँ जमा करना पड़ेगा, और शूज़ वगैरह वहाँ जमा करने पड़ेंगे। मंदिर प्रांगण की सीमा है, इसके अंदर आपको मोबाइल, कैमरा, फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, खाने पीने का आइटम कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। जो है बस यही इलाका है, यहीं से आपको चीज़ें मिलेंगी। तो भाई ये रहा खूबसूरत भव्य सोमनाथ मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। बहुत ही पुराना, बहुत ही भव्य, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है यार। आप लोग आज इसे मेरे साथ डिजिटली एक्सपीरियंस कर रहे हो, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। वगैरह तो अंदर करके आ गए, सोचा आपको बाहर से ही भगवान के दर्शन करवा दें, क्योंकि यही एक हिस्सा जो पॉसिबल है जहां से हम एटलीस्ट जूम करके आपको जो मंदिर है वो बाहर से दिखा पाए। वरना पीछे तरफ समुद्र है, उसके बाजू में रोड बनी हुई है, वहाँ से भी आप मंदिर को देख सकते हो। लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, और सनसेट के टाइम पे जगह बहुत खूबसूरत लगती है। पिछले साल मैं और संदीप भाई आए थे, क्यों संदीप भाई, साइकिलिंग कर सकते हो अंदर, बहुत सारी सुविधाएं, मज़ा आता है। आप टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हो, पीछे सनसेट के टाइम के लिए बेस्ट एकदम, बस धूप बहुत है यार। अपने एके भाई के 1 लाख पूरे हो चुके हैं सोमनाथ दर्शन करते करते, बहुत ही लकी इंसान है। और इसी बात पे पार्टी के तौर पे सब जा रहे हैं गर्मी में नारियल पानी पीने, नारियल पानी पीने। अब ये छोटी पार्टी करते हैं, बड़ी वाली बाद में करेंगे। हाँ भाई, 1 लाख सब्सक्राइबर की खुशी में हेल्दी पार्टी, बिल्कुल नारियल पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गर्मी बहुत है यहाँ पे, नीट मत पियो, बिना पानी।
लोगों से वादा करके देखो, इतने सारे व्लॉगर्स हम लोग निकलते हैं और मंदिर में आके शूटिंग अलाउ नहीं थी, लेकिन फिर भी यार काफी दूर राउंड मार के इस जगह पे पहुंचे ताकि करीब से आपको दर्शन करा सके। कुछ इतना खूबसूरत भव्य मंदिर है सोमनाथ का अंदर, कितनी अच्छी किस्मत थी आज की। मुझे लगता नहीं किसी को 5 मिनट भी दर्शन के लगे होंगे ना, बहुत जल्दी दर्शन हुए और उसके बाद बीच पे वॉक करते करते यहाँ पहुँच चुके हैं। जैसे सोमनाथ मंदिर के दर्शन कराए हैं, कल द्वारका दर्शन भी होंगे। अभी इसके बाद हम लोग बीच जाएंगे थोड़े समय के लिए, फिर निकलेंगे एक और मंदिर दर्शन के लिए। रात में अपनी ट्रेन जर्नी होगी द्वारका तक, ट्रेन जर्नी भी आप इंजॉय करिएगा। बस फिलहाल अब अगले मंदिर में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तो बालका तीर्थ सोमनाथ मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत ही खूबसूरत पावन जगह है। यहाँ करके काफ़ी अच्छा लगा और वैसे बहुत सी खास बातें हैं इसके बारे में। भगवान श्री कृष्ण जो जगत के पालनहार हैं, जब वो यहाँ पे थे तो उन्होंने अपनी आखिरी सांसें यहीं पर ली थी। जरा के मारे गए तीर से उनके पैर पर घाव हुआ था, जिसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने हिरण नदी के किनारे जा कर के पंच तत्वों में खुद को विलीन कर लिया था। मान्यता यह है कि आखिरी सांस उन्होंने यहीं पर ली, जिसके कारण ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ शाम यहीं पे हमारी ढली है, आरती शुरू हो चुकी है। अब चला जाए मंदिर दर्शन करते हैं, फिर शाम में तो हमें अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए भी निकलना है। रावल अपने ग्रुप से थोड़ा अलग से आए हैं, क्योंकि आज ए के भाई के 100K सेलिब्रेशन हुआ है। और ये देख लो, ये हम लेने गए थे केक वगैरह लेकर के आए हैं और ट्रेन में ही उसे काटा जाएगा। वैसे अभी देख लेंगे, वो थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा, लेकिन केक कटेगा केक ट्रेन में ही। और फायर वाला कुछ भी अलाउ नहीं, तो कैंडल वगैरह कुछ नहीं लाएँ। और आप लोग भी अगर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो तो कैंडल वगैरह का बिना चढ़ना, मनाओ अच्छी बात है, लेकिन कैंडल वगैरह लेकर के नहीं। सभी हम लोग प्लेटफॉर्म पे घुसे हैं और देख लो सोमनाथ एक्सप्रेस खड़ी हुई है, 9:40 से 9:50 को जैसे जाती है, शायद 9:50। काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, डेली ट्रेन है अहमदाबाद से वेरावल के लिए। पहले सोमनाथ रेलवे स्टेशन तक जाती थी, अब केवल वेरावल तक आ रही है। ये जब जाएगी तो मुझे लगता है उसके बाद ही शायद हमारी ट्रेन लगाई जाए, या तो यहाँ पे और भी प्लेटफॉर्म से तो उसमें भी लगाई जा सकती है। अभी देखो हमारे IRCTC वाले पैसेंजर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। जूनागढ़ से आए हैं आपसे मिलने भाई, बहुत अच्छा लगा यार। क्या वो हाथ नहीं मिलाओ क्या, बेइज्जती कर रहे हो यार, कहाँ पर है? अरे पसीना पसीना हो गया यार, वो कहाँ पर है यार, आराम करो यार। यहाँ अपनी शानदार भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन आ चुकी है वापस से प्लेटफॉर्म पे। देखो भाई 9:10 हो रहे हैं यहाँ पे, अभी गाड़ी को लगाया गया है, जब 10 बजे यहाँ से निकलेंगे भी हम लोग, तैयारी पूरी हो रखी है। तो भाई चलिए वापस से अपने घर चलते हैं, अब ये घर ही हो गया 7 दिन के लिए तो अपने लिए घर ही है। और यहाँ पे बहन भी है साथ में, और सामान वगैरह रखा जाए। इंटीरियर फिर से देख लो वापस से, अब ये चेंज हो गई है, बेडशीट वगैरह चेंज हो गए, पिलो कवर चेंज हो गए, टॉवल्स वगैरह सबके लिए फ्रेश रख दिए गए हैं। देखो चेंज हो गई भाई बेडशीट वगैरह सब कुछ, यहाँ से एकदम फ्रेश चीज़ें बिछाई गई हैं। ये है कमाल का इंटीरियर, स्टेप्स वगैरह देख लो, सेफ्टी के लिए लॉकर्स, ये सभी चीज़ें बार बार आपको फैसिलिटीज दिखा रहा हूँ। देखिए भाई घर आके कैसा लग रहा है? अरे घर सुकून जैसे अपने घर पे लगता है ना, ये पूरा घर ही है 8 दिन के लिए। बाहर गर्मी और यहाँ ठंडी बहुत बढ़िया हो रही है ना। मैं कल भी थोड़ा सा खिला रखी, कैसे झूठ नहीं बोलूँ, पूरा सेट आए ना, बिल्कुल चकाचक मिल रहा है सर हर चीज, चाहे फैला के जाओ चाहे कुछ, भैया लोग प्यार बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं। तो अपनी ट्रेन की एक खास बात है कि इसमें शावर रूम हर कोच में 2-2 बने हुए हैं। देखो बस फेस वॉश लेके आया हूँ, जल्दी से फेस को वॉश किया जाए, काफ़ी थकान सी हो रही है आज पूरे दिन की। 10:20 अपनी ट्रेन निकलेगी, अभी भी बहुत टाइम है। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपना डिनर करने वापस से अपने डाइनिंग कार में।
डाइनिंग कार है, रेस्टोरेंट कार, काफी कमाल का दिखता है इंटीरियर, पहले तो आप देख लो। उसके बाद यहाँ पे अपना सूप जो है वो सर्व ऑलरेडी है, इसके बाद बाकी डिनर वगैरह जो वो भी सर्व होगा, बटर पेपर सॉल्ट सब कुछ है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे ढंग से साफ सुथरे ढंग से यहाँ पे खाना पीना जो है वो सर्व किया जाता है। इनसे हम लोग यार यही सब खा रहे हैं, पनीर, मिक्स वेज की सब्जी, पराठे, ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब कुछ नया चाहिए यार, देखता हूँ आज क्या है, कुछ अगर नया है तो अच्छी बात है, वरना अब थोड़ा सा दिल को बुरा लगेगा। तो यहाँ पे देख लो सिग्नल मिल चुका है हमें चलने का, 10:20 बिल्कुल शार्प अपनी ट्रेन चलने को तैयार है। खाना छोड़ करके आए कि पहले भाई आप लोगों को डिपार्चर दिखा दें, क्योंकि रेल फैनिंग ज़रूरी है भाई, भारत दर्शन ट्रेन हो चाहे कोई भी हो, लोग चाहते हैं ट्रेन को देखना। तो ये देख लो सिक्योरिटी के लिए विसल बजाई जा रही है कि सभी लोग ट्रेन पर चढ़ जाओ, ट्रेन चलने को तैयार है। तो यहाँ से हमारी ट्रेन में डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ है जो कि ओखा तक ऐसे ही जाएगा, EMD लोकोमोटिव लगा हुआ है। और इसी के साथ निकलते हुए वेरावल से जंक्शन क्यों है ये तो आपको मैंने इसके पिछले पार्ट में बताया था, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भाई इसे जंक्शन क्यों कहते हैं। सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस खड़ी है जो कि रात 11:05 में निकलेगी। ये भी EMD लोकोमोटिव के साथ, इसी के साथ वेरावल से हम लोग निकलते हुए। रात के अंधेरे में वेरावल शहर को अलविदा कहते हुए अब जल्दी से चला जाए क्योंकि वापस से अपना डिनर हमारा इंतजार कर रहा है, और इसे बंद कर दिया जाए सेफ्टी के लिए। इनमें सभी के स्वाद का ख्याल रखा गया, और हम लोग कह ही रहे थे फ्रूट्स की बात, और यहाँ पे सर ने ऑफर किया, थैंक यू सर इसके लिए। और सर साथ में भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, खुद एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि कहीं कोई कमी ना रहे, तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर्सनली इसे मॉनिटर कर रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगा सर, थैंक्स अ लॉट इसके लिए। यहाँ पे देखो आज कुछ नया है, एकादशी का दिन है, सबका व्रत है, इसलिए यहाँ पे देखो साबुदाना की खिचड़ी है, और आज गुलाब जामुन का रंग जो है बदल चुका है, कल तक गुलाब जामुन थे, आज रसगुल्ले आ चुके हैं। भैया प्लीज़ सर्व कर दीजिए। तो आज ऑप्शन में पनीर, दाल, चावल और सब्जी फिर से है, मतलब ऑप्शन है, दाल थोड़ी बदली है लेकिन आज। तो देखो भाई वैरायटी की कमी नहीं है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि आज कुछ मेन्यू में बदलाव होगा, और यहाँ पे हुआ है। साबुदाना जिनका व्रत है, साबुदाना खिचड़ी, यहाँ पे बैंगन का भरता, पराठा, दाल अलग तरीके की, और यहाँ पे स्प्राउट्स भी अवेलेबल है। किसी ट्रेन के साथ अपनी क्रॉसिंग हो रही है, बट मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, जहाँ तक कि राजकोट वेरावल पैसेंजर या एक एक्सप्रेस चलती है वो है ये। भाई वाकई में बैंगन का जो भरता बना है, मटर के साथ मैं पहली बार खा रहा हूँ, जिंजर जिंजर इसमें ज़रूर पड़ा हुआ है, स्वाद वाकई में बहुत बढ़िया है। और भाई दाल भी कुछ अलग सी लग रही है, दाल भी मिक्स है सच में यार। खाना मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज चेंज होगा मेन्यू, मेन लोग से कह रहा था यार खाने का मन नहीं कर रहा है, पनीर और वही मिक्स वेज ड्राई वाली डेली, चेंज करके बहुत अच्छा किया, अब स्वाद आ रहा है। एक्चुअली फर्स्ट से जो एक्सपेक्टेशन है ना वो और बढ़ गई, क्योंकि अभी दो दिन तो रिपीट हुआ है, अब शायद कल कुछ नया देखने को मिले। सेलिब्रेशन का माहौल है, ए के भाई का 1 लाख सेलिब्रेशन का केक यहाँ पे रेडी है, 11 रुपए तैयार है, मूंगफली तैयार है, 10 रुपए का केक और बिस्किट, बर्थडे पार्टी वाला हाल होने वाला, बचपन वाला, रेडी हो भाई? बिल्कुल रेडी है। काटो भाई 100K स्पेशल, वेट कर रहे हो, सरकार दो 100K, क्या बात है, इससे बड़ा बजट मैंने बर्थडे का आज तक भाई भारत गौरव में मना रहा हूँ, क्या बजट चाहिए? एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या बात है, देखो भाई मैंने लग कर दिए, केक काट दिया, भाई का मुंह मीठा कराओ, इसमें से 10 पीसेस बिस्किट के मेरी तरफ से जा रहे हैं, और 10 भाई ये शेयर्ड में है, शेयरिंग में गिफ्ट है, और ये पैसे मेरे और श्यांश की तरफ से, मूंगफली के दाने इन लोगों ने बांटे हैं। नहीं तो भाई मुंह मीठा कराओ मैम का पहले, मैम का कराओ। तो भाई ये देखो भाई, पहले तो भाई पता ही नहीं इसको, Within 2-3 months.
यहाँ भी देख लो आप लोग जूनागढ़ का बस स्टैंड, पीछे आपको गिरनार की पहाड़ी भी दिख रही होगी। हम लोग अभी जूनागढ़ रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ से जो लाइन आती है आपको दिख रही है वो आ रही है मीटर गेज ट्रेन की, और यहाँ पे एक मीटर गेज ट्रेन खड़ी भी हुई है। तो ये जो छोटी लाइन की ट्रेन आपको दिख रही है ये चलती है यहाँ से एक अमरेली के लिए भी, दिलवाड़ा के लिए भी, इसीलिए जूनागढ़ रेलवे स्टेशन जूनागढ़ जंक्शन कहलाता है। जैन मंदिर जो है गिरनार का वो यहीं पर है, लोग उसी के दर्शन के लिए आते हैं। काफी खूबसूरत सी जगह है, कभी अगर आप लोग आए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। तो यहाँ रात के अंधेरे में हमारी ट्रेन आकर के खड़ी है जैतलसर जंक्शन में। ये देखो भाई खूबसूरत सा जंक्शन। पहले ये जो हिस्सा है ना ये मीटर गेज का हुआ करता था, पर अब यहाँ पे ब्रॉड गेज ट्रेन शुरू हो चुकी हैं। अभी भी मतलब ट्रैक वगैरह बन रहा है लेकिन हाँ लाइन शुरू हो चुकी है। एक और चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इसे जंक्शन क्यों कहते हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी सोमनाथ राजकोट वाली लाइन पे, एक और लाइन यहाँ से आकर मिलती है, वो आती है पोरबंदर से, इसीलिए इसे जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। और पहले मीटर गेज का भी एक रूट यहाँ से जाता था, इसलिए जंक्शन कहा जाता है। बाकी अभी रात के 12:30 बजे हुए हैं, सेलिब्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया, मज़ा आया यहाँ तक। बस इतने दिनों से जीन्स पहन के रह रहा था तो अब हाफ पैंट में आ गया, सोचा एक रात यार थोड़ी सुकून की बिताई जाए। सुबह 5:30 बजे की हमें टाइमिंग दी गई है चाय वगैरह की, 6:30-7 तक ब्रेकफास्ट, फिर हम लोग द्वारका भी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग पहुँचने वाले हैं। राजकोट पर शायद ट्रेन का रिवर्सल भी होगा। पे नाइट में कुछ ऐसा माहौल होता है। और ये रही अपनी फर्स्ट एसी की गैलरी। टाइम देखो 2:00 बज रहे हैं, राजकोट जंक्शन हम लोग बस पहुंच ही रहे हैं। अराइवल देखो, बाकी की बातें वहां पे होंगी। रात के अंधेरे में राजकोट की ओर बढ़ते हुए, आउटर पे ट्रेन को रोका गया था, भक्ति नगर पहुंच गई थी 1:30 बजे, समझ लो 2:10 के आसपास हम लोग राजकोट पे एंट्री ले रहे हैं। सामने ये जो ट्रैक्स आप आते हुए देख पा रहे होगे, वैसे मुझे लगता है लाइट सफिशिएंट है, यहीं पे अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं। ये जो लाइन है यही जा रही है ओखा द्वारका की ओर। राजकोट जंक्शन में हमारी ट्रेन रिवर्सल लेगी, अभी राजकोट जंक्शन पहुँच रहे हैं हम लोग अभी, बस फिर वापस यहीं इसी डायरेक्शन की ओर निकल जाएंगे। सोमनाथ एक्सप्रेस जो कि अभी वेरावल की ओर जा रही है वो निकल रही है,
हमारी एंट्री हो रही है यहाँ पे राजकोट पे और वेरावल की ओर जाने वाली सोमनाथ एक्सप्रेस निकलते हुए। यहाँ पे देर रात को हम लोग पहुँचे हैं राजकोट जंक्शन। इस स्टेशन को कवर करने के पीछे रीज़न ये है कि हमारी सब्सक्राइबर फैमिली के बहुत सारे लोग राजकोट से हैं। मैं नहीं चाहता था कि भाई आपका स्टेशन मिस हो। अगर बात की जाए गुजरात के प्रमुख शहरों की तो राजकोट चौथे नंबर पे आता है। काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत शहर है और यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो भाई खाने पीने की चीज़ों की कोई भी कमी नहीं होगी। और एक और चीज़ अपनी हैंडीक्राफ्ट के लिए भी बहुत मशहूर है, बनाई भी जाती है और बेची तो भाई बहुत ही धड़ल्ले से जाती है, बहुत ही फेमस है उसके लिए। यहाँ आ रहे हो तो आप इन सभी चीज़ों पे भरोसा कर सकते हो, ख़रीद सकते हो, क्वालिटी अच्छी मिलेगी आपको। और यहाँ के लोग खाने और खिलाने दोनों ही चीज़ों के शौकीन हैं। तो जो लोग यहाँ से हैं भाई कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर। यहाँ हमारी ट्रेन का जो लोकोमोटिव है ना वो रिवर्स किया जाएगा, इंजन यहाँ से निकाल के दूसरी तरफ लगाया जाएगा। इसी कारण ट्रेन यहाँ पर काफ़ी देर के लिए रुकने वाली है। मैं जग रहा हूँ, संदीप भाई जग रहे हैं, श्रेयान जग रहा है, ज्योति भी जग रही है, सभी लोग जग रहे हैं क्योंकि आपको ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस दिखाना था भाई। बहुत हो गया रेस्टोरेंट कार में खाना चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब चाहिए थोड़ी ट्रेन जर्नी, उसी में मज़ा आता है। और डेस्टिनेशन मंदिर वगैरह तो आपको दिखाएंगे ही ऐसी। भाई राजकोट को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग पूछेंगे जंक्शन क्यों है, तो यहाँ से वांकानेर वाली लाइन गई हुई है जो कि आगे अहमदाबाद की ओर जाती है। वेरावल वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं, ओखा वाली लाइन पे बढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो जंक्शन क्यों कहते हैं। चाय ले लिए गर्मा गर्म रात में क्योंकि भाई जगते जगते अब थोड़ा सा नींद का बुरा हाल हो रहा है। 5:30-6 बजे तक हम लोग द्वारका भी पहुँच जाएंगे, ऐसी कुछ संभावना अभी बताई जा रही थी ग्रुप में। खैर देखते हैं कब तक पहुँचती है, लेकिन सोने के जो घंटे हैं ना वो 3-3.5 घंटे ही बचने वाले हैं। चाय ज़रूरी है इसलिए इसे निपटाया जाए। देखो संदीप भाई आखे खोल लो भाई, ब्लॉग में आने वाले हो। देखो ऐसे ही हाल चल रहा है हम लोग का, चाय वाय पीते जैसे से जग रहे हैं। लेकिन रूट कवर करने का काफ़ी मन था ये वाला, क्योंकि लास्ट ईयर आए थे फेब में, उसके बाद सीधा अभी आ रहे हैं, तो चाहते नहीं थे कि आप लोग के स्टेशंस मिस हो। जो लोग यहाँ से हो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर कौन कौन यहाँ से है ना। राजकोट वाले ज़रूर से बताना, आपके लिए 2:30 बजे तक जगे हम लोग। दोस्तों सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस, ये भी सेम डायरेक्शन में जा रही है जहाँ हम जा रहे हैं। इसका भी रिवर्सल होगा यहीं पर, सेम प्रोसेस होगी। देखो कितना टाइम हो गया अभी हमारा रिवर्सल होते होते। वेरावल से डिपार्चर में यही ट्रेन अपने बगल में खड़ी थी, शायद आपने ध्यान दिया उसके लोको नंबर पे। तो भाई यहाँ पे देख लो रात के 3 बजे हम लोग निकल रहे हैं राजकोट रेलवे स्टेशन से, जैसे आए थे वैसे के वैसे ही वापस हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लोग इस ट्रेन को देख कर खुश भी हैं। मैं सोच करके ब्लॉग करा था कि अगर कोई नॉर्मल ट्रेन होती तो आप लोग कैसे इसमें जगते, कैसे स्टेशनों का हाल होता, क्या सुविधाएँ होती क्या नहीं होती। खैर इस ट्रेन में खाने पीने सभी चीज़ों की सुविधाएँ तो हैं, पर स्टेशनों को भी हमने इसीलिए कवर किया है इस रूट के। बाकी अगर आप सोमनाथ से
ओखा के बीच चलने वाली ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम शेड्यूल आपको फॉलो करना पड़ता। देखिए बस उसके आधे घंटे आगे आगे हम लोग आए हैं, वो भी हमारे साथ साथ आ चुकी है, उसका भी रिवर्सल यहाँ पे हुआ है। ऑलमोस्ट सेम शेड्यूल में हम लोग पहुँचेंगे भी, पर चलो कोई नहीं, इसी बहाने डीलक्स ट्रेन की जर्नी हो गई। फिलहाल रात करता था उसकी, अभी सोया जाए, कल सुबह आप लोगों से मुलाकात करता हूँ क्योंकि कल के दिन में हमें द्वारकाधीश के दर्शन के लिए भी जाना है। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट दोस्तों। सुबह के अभी 6:20 हो रहे हैं, ट्रेन द्वारिका में खड़ी है ऑलरेडी, जब मेरी नींद खुली, अब देखते हैं क्या होगा। बहुत सारे लोग तो उतर भी चुके हैं ट्रेन से और अपन लोग भी जल्दी से तैयारी करते हैं उतरने की। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अपने दिन की शुरुआत हो चुकी है, अभी हम लोग को टाइम मिला है 8 बजे का यहाँ से निकलने का। नाश्ता वगैरह भी सज चुका है, शायद एक चाय पीने जाएंगे क्योंकि इतनी सुबह भाई खाने पीने को कोई मन नहीं है। लेकिन यहाँ पे द्वारका में, क्योंकि हम लोग अभी वेस्टर्न साइड है तो जो सनराइज़ है काफ़ी लेट होता है, यहाँ पे लगभग 7:10 हो रहा है, यहाँ पे 7:10 हो रहा है, फिर भी देखो सनराइज़ अभी तक अच्छे से हुई नहीं है, धीरे धीरे करके हो रही है, धीरे धीरे आपको भी दिखाते हैं। अब शायद है कि चाय पीने डाइनिंग कार जाएंगे तो जाएंगे, वरना 8 बजे सीधा निकलेंगे बाहर होटल के लिए, उसके बाद दर्शन के लिए निकला जाएगा। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स है, साथ में आज ब्रेकफास्ट ऑप्शन बदले हैं, पोहे कटलेट, साथ में यहाँ पे इलायची वाली चाय अपनी, बहुत सारी वैरायटी आपको मिलती है, वही चीज़ें देख लो, सॉस जैम बटर सब कुछ है यहाँ पे, टोस्ट वाले ब्रेड भी हैं और सर्विंग यहाँ पे प्रॉपरली चल रही है। ढोलेश भाई हैं तो थोड़ा जल्दी आ गए थे तो निपटा के बैठ गए, देख लो। मैं तो भैया मैं तो पोहा सुना और मैं आ गया। कैसा लगा? अरे आज day 5 में चेंज हुआ, कटलेट भी है, पोहा भी दे रहे हैं उपमा के बाद। day 4 का जो डिनर था उसने दिल जीता, अब day 5 का जो ब्रेकफास्ट है ये भी चेंज है, तो अच्छा लग रहा है। बस अब आज रात में हमें स्टेशन से वापस भी शायद जाना होगा ना, वापस आएंगे करीब 8 बजे। आज पूरा दिन है हमारे पास द्वारका एक्सप्लोर करने के लिए और वापसी इसी गाड़ी से होने वाली है, और एकदम सब लोग जल्दी से झटके में उठे और देखा द्वारका आ गया, बस उसी माहौल में अभी तक है कि हो क्या रहा है। बट आप ये देखो इतनी सुबह भी बिल्कुल गाड़ी ऑन टाइम हम चल रहे हैं, सर्विसिंग स्टाफ भी रेडी है भाई खाने पीने के साथ सभी चीज़ों के साथ। चलो भाई जल्दी से फिनिश कर लिया जाए। नहीं नहीं भैया ये दही दे दो, 4 दे दो यार। ये देखो भाई टोस्ट ब्रेड भी आ गए यहाँ पे, हर चीज तुरंत तुरंत आ रही है, आज कोई डिले नहीं है। भगवान द्वारकाधीश जी का निवास स्थान है जो भी द्वारका के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ऐसा कुछ भव्य स्वागत हुआ है हमारा द्वारका में, और पीछे हमारी बसेस भी तैयार खड़ी हैं। चलते हैं भाई बस बोर्ड करते हैं, मंदिर की ओर निकलना है, वहाँ भी आपको पावन दर्शन करवाने। कंफर्ट तो अच्छा खासा है इस वाली बस में यार। अक्षय क्या बढ़िया व्यवस्था किया है सचिन ने भाई, लास्ट वाली नहीं नहीं रेलवे ने जो व्यवस्था हम लोग के लिए करके दी है वाकई में अच्छी है। कल वाली में तो हम फिर भी सोच रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन आज फिर से बेहतरीन व्यवस्था, द्वारका घूमने में मजा आएगा, मतलब थोड़ा कंफर्ट लेवल बढ़ गया इसमें, जैसी ट्रेन वैसी ही बस भी आज। आपको बस के भी जैसे दिखाएंगे, शुरू करेंगे हम बस लोग आगे से केबिन राइड वाला नहीं करना, केबिन राइड नहीं दिखाने।
इंटीरियर जोरदार है, एसी बढ़िया काम कर रहा है, एसी से। और लास्ट वाली सीन में कूद भी बढ़िया रहे। अरे कैसे खट्टा आ रहा है यहां लग रहा। तो ये है आज का अपना स्टे द्वारका का। अब चला जाए भाई अंदर, आपको रूम का टूर करवा देते हैं। यहाँ पे स्वागत कुछ इस तरीके से हुआ है और वेलकम ड्रिंक भी है। थैंक यू भैया। हम लोग पूछेंगे रूम टूर, तो भाई देखो कुछ ऐसे दिखते हैं यहाँ के रूम्स। हम तीन लोग हैं इसलिए डबल डबल बेड के दो बेड यहाँ पे मिले हुए हैं और अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है कंपेरेटिवली। वैसे भी अभी हमको बस नहा के निकलना ही है सीधा मंदिर दर्शन के लिए, क्योंकि दोपहर 2 बजे के बाद से तो यार बहुत ही हेक्टिक प्लान है। जल्दी से नहाते हैं, सीधा आपसे मंदिर के पास मिलता है। तो यहाँ पे होली देखो करीब आ रही है, उत्साह देखो कितना है, पिचकारियाँ रंग सभी सज चुका है और हम लोग हैं द्वारका में। भाई यहाँ तो ये उत्साह होना ज़रूरी ही है। ये देखो बस मंदिर दर्शन के लिए निकल रहे हैं, नहा के सब लोग रेडी हैं, सारे दोस्त लोग साथ में आगे भी चल रहे हैं और बस आपको अभी मंदिर के दर्शन होने ही वाले हैं। देख लो बदल चुका है अवतार मंदिर आने से पहले ही। फाइनली पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य पे द्वारकाधीश मंदिर पे। क्या खूबसूरत लग रहा है। फाइनली ये पॉइंट है, इसके आगे मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है, जूते चप्पल भी हमको यहीं पे उतारने पड़ेंगे। तो दर्शन के लिए निकलते हैं, आपको बताएंगे आकर के कितना समय लगा और सभी लोग तैयार हैं, आप मेंटली रेडी। तो जूते चप्पल वहाँ उतार दो, मोबाइल वगैरह भी है मेरे को दे दो, मैं बाहर रुकता हूँ, आप लोग दर्शन करके आ दो ठीक है। वरना मोबाइल वगैरह चोरी होने का भी टेंशन रहता है यहाँ पे। जूते चप्पल भी देखो खुले में उतारने, मैं सबका ख्याल रख लूँगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर के साथ साथ यहाँ पे और भी वाटर स्पोर्ट्स भी अवेलेबल है मंदिर के जस्ट बगल में और बहुत सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन आज हम लोग कुछ लेकर के नहीं आए यहाँ नहाने के लिए। अभी ऊँट वगैरह भी हैं, समुद्र का पानी यहाँ तक आया हुआ है और भक्तों का आनंद देखो यार, यहाँ पे मछलियाँ भी हैं नीचे पानी में, साफ साफ दिखाई दे रही हैं, शायद आप लोग को भी दिख रही हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। तो भाई द्वारकाधीश के दर्शन तो काफी आसानी से हो गए, जो साथ के लोग भी गए थे उन्हें लगभग 40 मिनट से 1 घंटे में दर्शन हो गए। होली का समय पास आ रहा है इसलिए जो रूट है काफी लंबा बना दिया गया है। मेरी तरफ से सलाह है, जब आप यहाँ आ रहे हो ना तो अपने रूम में ही चप्पल अपने मोबाइल वगैरह छोड़ कर जाना, होटल का नाम या तो याद रख लेना या तो कार्ड रख लेना होटल का, और फिर आप ऑटो करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वरना एक बहुत लंबा आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर आप बाई चांस लेकर के जा रहे हो अपने साथ मोबाइल पर्स या कोई भी कीमती सामान है, तो आपको वहाँ पे मंदिर के क्लॉक रूम भी मिल जाएंगे जो कि निःशुल्क है, आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर भी रखना चाहो तो दुकानों वगैरह में भी लोग रखते हैं, लेकिन वहाँ पे मंदिर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वहाँ आपको अपनी सेफ्टी के अनुसार रखना पड़ेगा। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अपने होटल में सब छोड़ के जाना, एक किसी बंदे का फोन वगैरह लेना तो ले लो, फोटो वगैरह खींचने के लिए सबको लेके जाने की जरूरत नहीं, वरना क्योंकि वहाँ बहुत रश होता है। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, जर्नी को इवेंट करते हैं। अगले पार्ट में आपको मैं एक और स्पेशल जर्नी दिखाऊंगा द्वारका की, एक और मशहूर जगह से शुरू करते हुए मैं आपको ले चलने वाला हूं अहमदाबाद तक, और ट्रेन जर्नी भी देखने को मिलेगी और साथ में अहमदाबाद भी आपको घुमाऊंगा। मिलते हैं इस जर्नी के नए पार्ट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।